इस पार्ट में आज हम क्या सीखने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम देखते आ रहे हैं अभी तक। तो इस पार्ट में हम वर्ड के कुछ और एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए आइए पहले वर्ड खोलते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट एक ओपन कर लेते हैं। ये नया डॉक्यूमेंट है, फिलहाल हमें नया डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसको हम ऐसे ओपन करते हैं। पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप ऐसे जाइए यहाँ पे, यहाँ पे ओपन में आप क्लिक करिए। ओपन में आप क्लिक करेंगे तो आपका फाइल जहाँ पे भी सेव्ड है, जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप पे सेव करके रखा है, वहाँ पे आप जाके फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये अपना डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट खुल गया है। अब इस डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग का फीचर्स हम देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा आपका मेनू बार दिया गया है। ये आपका होम मेनू है, उसके बाद इंसर्ट का मेनू है, इसके बाद पेज लेआउट का मेनू है, फिर रेफरेंसेस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है और व्यू है। अब इन सब के बारे में हम आगे आगे जानेंगे, बट पहले हम आज ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के साथ कैसे काम करना है इसकी जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमने एक कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखा हुआ है पहले से ये टाइप पे। इस टेक्स्ट को कैसे हम अलग अलग रूप में बदल सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अभी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जिस स्टाइल में लिखा हुआ है, ये कैरेक्टर्स को हम फॉन्ट कहते हैं। तो किस तरीके से जो लिखा हुआ है इसको हम फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट कई तरीके के फॉन्ट्स होते हैं, जैसे अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली आएगा, या फिर आप यहाँ ऊपर जाके ये जो देख रहे हैं फॉन्ट, ये फॉन्ट का मेनू बार है। इसमें आप जो भी आपके टेक्स्ट जो है, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो रूप है, जैसे दिखते हैं ये, इनके रंग, ये सारी चीजें आप यहाँ से बदल सकते हैं। पहले तो हम फॉन्ट को कैसे बदलना है ये सीखेंगे। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट का फॉन्ट बदलना है, तो जैसे मुझे इस पैराग्राफ का फॉन्ट बदलना है मुझे, तो ये पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और ऊपर जाके ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स का लिखा हुआ है, इसका आप शॉर्टकट की भी देख सकते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट एफ शॉर्टकट की भी होता है इसको, नहीं तो यहाँ से आप ये डाउन एरो क्लिक करेंगे तो आपके सारे फॉन्ट्स इसमें दिखेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं अपना कर्सर किसी फॉन्ट के ऊपर लेके जाऊंगा, तो उस फॉन्ट में आपका ये बदल जाएगा। अभी टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, एजेंसी है, अहरोनी है, अल्दाही है, अल्जीरियन है। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं फॉन्ट के ऊपर जाऊंगा, उस फॉन्ट में आपका टेक्स्ट जो है अपने आप बदल जाएगा। तो आप कभी भी किसी वक्त आपको कोई भी फॉन्ट अगर बदलना हो, तो यहाँ से जाके आप जो भी आपका मनपसंद फॉन्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे, उस फॉन्ट में आप अपना टेक्स्ट बदल सकते हैं। इसमें कुछ हिंदी के फॉन्ट्स भी हैं, लैंग्वेजेस बाकी लैंग्वेजेस के हैं, जैसे ये उत्साह करके एक देवनागरी का फॉन्ट है, ये भी है। इसके अलावा कई सारे लैंग्वेजेस के फॉन्ट भी हैं। फिलहाल हम अंग्रेजी के फॉन्ट्स के बारे में ही जानेंगे, तो कोई और अंग्रेजी का फॉन्ट हम लेते हैं जिसको हम इसको चेंज करते हैं। जैसे अभी हम ये फॉन्ट ले लेते हैं, सेंचुरी स्कूल, और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये आपका टेक्स्ट जो है उस फॉन्ट में बदल गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है, इसका फॉन्ट और नीचे का टेक्स्ट का फॉन्ट बिल्कुल अलग अलग है। इस तरीके से आप अपना फॉन्ट बदल सकते हैं। अब फॉन्ट एक तो बदल सकते हैं, इसके अलावा आप इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये कैसे किया जाता है, वापस आप वही फॉन्ट में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर लिखा हुआ है, इसको फॉन्ट साइज का मेनू बार कहते हैं। इसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये एरो दबाएंगे तो आपके सारे साइजेस यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे भी जैसे ही मैं एरो बार वहां ले जाऊंगा, तो वो अपने आप बदल के दिखाएगा। अभी 12 में है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है, ऐसा बड़ा करके आप 72 तक जा सकते हैं, या छोटा करके 8 तक जा सकते हैं। जैसे मर्जी आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं, उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट को जैसे चाहिए वैसे। एवरेज फॉन्ट जो है या तो 10, 11 या 12 के रेंज में रहता है, जो कि रेगुलरली यूज किया जाता है। तो फिलहाल हम 12 का फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसी में आपको सब क्लियर मिल जाए। अब ये फॉन्ट साइज बढ़ाने या घटाने का एक और आसान तरीका भी है, वो
तरीका यहाँ के शॉर्टकट मेनू में दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं एक बड़ा ए दिखा हुआ है और एक छोटा ए दिखा हुआ है। ये बड़ा ए इसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं। ग्रो फॉन्ट मतलब इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो, तो इस पे मैं अगर एक बार क्लिक करूंगा तो अपने आप एक साइज ऊपर बढ़ जाएगा, और जैसे ये छोटे वाले में क्लिक करूंगा तो एक साइज घट जाएगा। अब इसको शॉर्टकट की के जरिए से करना है तो मैं कंट्रोल और राइट एरो अगर प्रेस करूंगा तो ये जो है कंट्रोल और ग्रेटर देन सिंबल जो है आपके कंप्यूटर में दिया गया है उसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और कंट्रोल और लेस देन साइन। फिलहाल हम डायरेक्टली यहीं से करके देखते हैं। जैसे मैंने ग्रो दिखाया तो ये साइज बढ़ गया और बढ़ गया। इसको छोटा करना है तो ऐसे क्लिक करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने आप ये जो नंबर है घट जाता है या बढ़ जाता है अपने आप। तो अभी मैं फिलहाल इसको वापस 12 पे लाके रख देता हूँ। तो ये हो गया आपका फॉन्ट साइज बदलने का तरीका, फॉन्ट बदलने का तरीका, ये दोनों चीज आपने अभी देख लिया। अभी मैं अगर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ और मुझे इसका जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर बराबर से मैंने टाइप नहीं किया, यानी कि अभी मैं वापस ऊपर जो लाइन है उसको मैं वापस नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, और इसमें मैंने आप देख रहे हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर, जैसे ही मैं इसको सेंटेंस केस में करता हूँ तो अपने आप वो बदल जाएगा। ये पर्पसली हमने जी टाइप किया है तो इस हिसाब से वो ऐसे ही आएगा। तो अगर आपने कोई भी गलत तरीके से मतलब छोटा अक्षर बीच में लाए हैं कहीं भी कुछ किया है तो वो अपने आप बदल जाएगा। इसको सेंटेंस केस के तो इसमें और भी कुछ ऑप्शंस आपको दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं ये फॉन्ट में इसको अगर मैं जो लोअर केस में करना है मतलब सारे छोटे लेटर्स में लिखना है तो लोअर केस क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं सब कुछ लोअर केस में बन गया है। अब इसको सब कुछ मुझे अपर केस कैपिटल लेटर में चाहिए तो मैं अपर केस पे क्लिक करूंगा तो सारे अपने आप कैपिटल लेटर बन जाएंगे। और अगर वापस मुझे इसको सेंटेंस केस में लाना है तो मुझे सिर्फ सेंटेंस केस क्लिक करना है तो अपने आप ये जो है सेंटेंस केस में बदल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर हर शब्द को मतलब हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसको कैपिटल लेटर करना है तो वो चॉइस भी आपको है। जैसे मैं यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड क्लिक करूंगा तो जैसे ही हर वर्ड के पहला अक्षर जो है वो अपने आप कैपिटल लेटर बन जाएगा। इसको मैं वापस अगर सेंटेंस केस करूंगा तो वापस सेंटेंस केस में बदल जाएगा। इसके अलावा मैं इसको टॉगल केस भी कर सकता हूँ, मतलब छोटे अक्षर को बड़ा और बड़े अक्षर को छोटा, ये तुरंत अपने आप हो जाएगा। जैसे अभी मैंने टॉगल केस किया तो ये जो कैपिटल ए था वो स्मॉल हो गया, बाकी सारे स्मॉल से कैपिटल लेटर्स बन गए हैं। तो वापस लाने के लिए मैं इसको सेंटेंस केस में करूंगा तो ये पूरे सारे कैपिटल अक्षर हो गए हैं, और अभी मैं इसको सेंटेंस केस में करूंगा तो नॉर्मल जो आपका रेगुलर सेंटेंस जैसा है ऐसे ये हो जाएगा। ये आपके फॉन्ट बदलने के तरीके, इसको फॉन्ट चेंज करने के तरीके। इसके अलावा जैसे ही आप जब डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं उसमें पर्टिकुलरली कुछ शब्दों को हाईलाइट करना चाहेंगे तो उसके लिए भी इस पे सुविधा दी गई है। जैसे मुझे ये कंप्यूटर का जो शब्द है इसको मुझे हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है मतलब मुझे, तो यहाँ आके आप ये जो बी देख सकते हैं इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर का जो शब्द है ये बोल्ड हो जाएगा। इसको करने का एक आसान तरीका शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल और बी का की दबाएंगे तो ये अपने आप बोल्ड हो जाएगा। अभी मैं इसको आपको ये बोल्ड करके दिखाता हूँ। जैसे आपने ये क्लिक किया आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया है। तो ये बोल्ड जो है आप पूरे सेंटेंसेस को कर सकते हैं, शब्द को कर सकते हैं, या सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें और भी तरीके हैं, अगर आपको इसको थोड़ा टेढ़ा करके दिखाना है उसको इटैलिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे बोल्ड दिख रहे हैं इसका अगला जो है इसको इटैलिक्स कहते हैं। इसको कंट्रोल आई से भी आप कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल आई क्लिक करूंगा या इटैलिक्स पे क्लिक करूंगा आप नीचे देख सकते हैं कि ये जो सीधा जो फॉन्ट है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो इसको इटैलिक्स बोलते हैं। तो कई बार जरूरत पड़ सकता है कि आपको ये अलग तरीके से कुछ सेंटेंस दिखाना है तो आप ये इटैलिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कई बार आप कुछ शब्दों को अंडरलाइन करके दिखाना चाहेंगे तो उसके लिए भी सुविधा दी गई है। ये आप देख रहे हैं यू उसके नीचे एक अंडरलाइन है, इसको अंडरलाइन कहते हैं। इसके लिए कंट्रोल यू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंट्रोल यू या यू दबाएंगे तो आपको ये एक अंडरलाइनिंग आ जाएगा इसके नीचे। तो ये चीज जो है आपके डॉक्यूमेंट में कुछ चीजों को हाईलाइट करने के लिए उसको दिखाने के लिए काफी काम आ सकता है।
कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ शब्द काट के दिखाने होंगे, मतलब ये हमने निकाला है ये दिखाने के लिए आपको एक काटा हुआ सिंबल दिखाना है, वो चीज यहाँ पे आपको दी गई है। इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब आप जो भी शब्द आप हाईलाइट करके ये क्लिक करेंगे तो उसके बीच में लाइन आ जाएगा, ऐसा दिखेगा जैसे इसको आपने किसी ने काटा है। तो जैसे ही मैं स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जनरल का जो वर्ड है उसके ऊपर एक लाइन आ गया, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने इसको काट दिया है। ऐसे ही कई बार आप जब डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, जैसे आप केमिस्ट्री के कुछ डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं या केमिस्ट्री का कुछ लिख रहे हैं, तो कई बार आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूले ये सब चीजें आपको दिखाने पड़ेंगी, या फिर गणित के ही फॉर्मूले आपको दिखाने हैं, तो उसके लिए कई चीजें आपको काम आ सकते हैं। उसमें दो चीजें खास तौर पे काम आता है, एक है सबस्क्रिप्ट और एक सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब जैसे अभी पानी का जो है केमिकल फॉर्मूला जो है उसको H2O कहते हैं, बट ये H2O में जो 2 है ये ऐसे नहीं आता, ये एक्चुअली नीचे आता है। तो H2O में ये O, ये 2 जो है इसको नीचे आना चाहिए, H और O के बीच में नीचे लिखते हैं हम नॉर्मली। इसको कैसे किया जाता है, उसको करने इसको सेलेक्ट करिए और ऊपर जाके फॉन्ट्स में ये जो सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है उसको आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 2 जो है जो छोटा हो गया और H2O के जगह पे वो अपने आप बैठ गया। तो इससे आप केमिस्ट्री के कई सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, तो इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ऐसे ही अगर आप मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं और आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको लिखना है, तो इसमें जो स्क्वायर है ये तो ऊपर आना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको कैसे दिखाया जाता है, इसके लिए आप सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज करते हैं। तो सुपरस्क्रिप्ट कैसे, यहाँ पे ऊपर आके ये एक्स स्क्वायर जो दिया गया है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं ए के ऊपर हो गया ये 2, ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको भी सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये सी स्क्वायर को भी आप सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इससे आपके फॉर्मूले वगैरह जो है बहुत आसानी से आप अच्छे से टाइप कर सकते हैं ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। इसके अलावा कुछ और भी फॉन्ट्स के प्रॉपर्टीज आपको समझने जरूरी हैं। जैसे ये जो हमने बोल्ड देखा है या इटैलिक्स देखा है या अंडरलाइन देखा है, वैसे कुछ और तरीके से भी आप अपने शब्दों को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे ये जो ऑप्शन है इसको टेक्स्ट इफेक्ट्स बोलते हैं, मतलब आपके टेक्स्ट को आप विजुअल इफेक्ट दे सकते हैं कि जैसे वो ग्लो हो रहा है तो आप उसके इफेक्ट्स जो है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये अरिथमेटिक ऐसा होता है, या ब्लैक में मुझे ऐसे लिखना है, ब्लू में लिखना है, या ऐसे शैडो के साथ लिखना है, ये सब टेक्स्ट का इफेक्ट जो है आप यहाँ से चूज करके लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, इससे आपका डॉक्यूमेंट काफी अच्छा दिख सकता है, तो ये आप विजुअल इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको अगर हाईलाइट करना है, जैसे हम नॉर्मली हाईलाइटर मार्कर से हम हाईलाइट करके रखते हैं जब पढ़ाई करते हैं, किताबों में हाईलाइट करते हैं, वैसे यहाँ पे भी आप हाईलाइटर यूज कर सकते हैं। तो ये जो बटन है ये हाईलाइटर का ऑप्शन है, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, तो इसमें आप चूज कर सकते हैं अगेन कोई कौन सा कलर आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने येलो चूज किया तो आप देख सकते हैं येलो में रंग बदलता रहता है, यहाँ पे रंग बदलेगा आपको, तो येलो है या ग्रीन है या ब्लू, जो भी आपके मनपसंद रंग है उसमें हाईलाइट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइटर आपको वहां पे आ जाएगा, इससे वो शब्द जो है थोड़ा और अच्छे से हाईलाइट हो सकता है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो है, अभी फिलहाल आपने फॉन्ट सारे ब्लैक में देखे, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये फॉन्ट का रंग ही बदलना है, मुझे किसी और रंग में ये फॉन्ट चाहिए, तो ये लास्ट ऑप्शन जो है इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको फॉन्ट कलर ऑप्शन बोलते हैं। सादा तौर पे ये ब्लैक में ही रहता है बट आप इसको किसी भी रंग में आप बदल सकते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ वैसे वैसे उसका रंग बदलता रहता है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसे आप अपना फॉन्ट बदल सकते हैं। तो अभी मैंने ये लाल रंग लिया है तो लंग पे क्लिक करूंगा तो वहां से मैं अपना फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। ये नॉर्मल कलर्स हैं, इससे अलावा और भी कलर्स आपको चाहिए तो ये मोर कलर्स ऑप्शन में आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा एक स्क्रीन दिखेगा जहाँ पे आप जैसी मर्जी जो रंग आपको चाहिए वो रंग आप इसको सेलेक्ट करके उस रंग में आप इसको ओके करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट का जो रंग है उस रंग में बदल जाएगा। इस तरीके से
आप अपना फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, फॉन्ट को हाईलाइट करा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। आखिर में एक और चीज आपको हम बताना चाहते हैं, वो है फॉन्ट का स्पेसिंग जो कहते हैं। मतलब आपका फॉन्ट, जैसे आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा और चौड़ा करके दिखाना है, मतलब विस्तार में दिखाना है, या उसको क्रंच करके छोटा करके दिखाना है, उसके लिए एक तरीका है। आप यहाँ पे जो फॉन्ट के पास जो एरो बटन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें आप ये सारी चीज जो आपने की है, ये सारे चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, ये सारा चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स भी आप यहाँ से ही कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस में अगर आप जाएंगे तो कैरेक्टर स्पेसिंग भी आप बदल सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, इसको भी आप बदल सकते हैं। फिलहाल ये नॉर्मल स्पेसिंग में दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसको एक्सपैंडेड स्पेसिंग कर सकते हैं। एक्सपैंडेड मतलब थोड़ा और फैला के दिखाएगा। अभी जैसे ही मैं एक्सपैंडेड चूज करके मैं ओके क्लिक करूंगा, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें कैसे इसका बदल गया है। जैसे ही मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये एक्सपैंडेड हो गया। मतलब छोटे छोटे ये थे, इसमें थे पास पास थे अक्षर, सब पास पास थे, अभी सारे फैल गए हैं। अभी इसको वापस मुझे बदलना है, तो मैं इसको एक्सपैंडेड से नॉर्मल में ला सकता हूँ, तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। या इससे भी और मेरे को मुझे कम करना है, उसके स्पेस जो है और भी कम करना है, तो मैं कंडेंस में क्लिक करूंगा तो ये और भी पास पास आ जाएंगे, ताकि आपका जगह थोड़ा और बन जाएगा आपके डॉक्यूमेंट। ये कई बार डॉक्यूमेंट में यूज होता है, ये कई बार आपको जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट छोटा करना है, बड़ा करना है, साइजिंग बराबर करना है।